तो मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त लोगों से एक निवेदन करना चाहती हूँ। निवेदन आप सब लोगों से कर रही हूँ, जितने भैया दादा लोग हमारे पीछे की तरफ बैठे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है, सब लोग आगे आ जाएंगे। जब आप लोग आगे आ जाएंगे तो ये मैदान खाली खाली लग रहा है, सब लोग इकट्ठे बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। और क्या, खाली जगह भरिए। निवेदन है आपसे, निवेदन स्वीकार आप करते हैं या नहीं करते ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप लोग आगे आ जाएं तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। कम से कम आप लोगों ने इस बेटी की बात तो माने, बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने लोगों ने भी माने सभी को धन्यवाद दे रही हूँ। जो लोग कुर्सी में बैठे चाहते हो कुर्सियाँ आप लेते आए, कुर्सियाँ डाले, यदि कुर्सी में बैठना चाहते हैं तो सब लोग आगे आ। बहुत ही बढ़िया बढ़िया से गीत सुबह की बेला में आप लोगों ने सुने हैं, वाकई सुंदर सा टुकड़ा फिर से सुना है, सुंदर सा गीत फिर से सुना है और सुंदर सुंदर से जवाब आप लोगों ने सुने हैं। बढ़िया टुकड़े का जवाब आप लोगों ने सुना है। कृष्णा उनके नाम का बहन है, नाम है बहन का कृष्णा, उनके बहन का नाम है कृष्णा, उनकी पत्नी का नाम है। चलिए ठीक है, आपने शायद पढ़ा हो कि कृष्णा उनकी पत्नी का नाम है, लेकिन दादाजी शायद मेरा मानना है कि कृष्णा उनका नाम नहीं है, नाम है कालिंदी और श्याम रंग है, श्याम रंग है तो कहते कृष्णा की तरह श्याम है, तो लोग कह देते कृष्णा नाम पड़ गया। यदि कोई सांवला है तो उसे भी कहते हैं श्याम रंग है उसका, तो जरूरी नहीं है कि वो नाम हो जाए उसका, नाम जो है वही रहेगा, कालिंदी उनका नाम है। खैर छोड़ें, जवाब आपने जो भी दिया है बढ़िया दिया है, दो सुदामा है, दो कृष्णा है, एक कन्हैया है, तो तीन कृष्णा हो गए, क्या बात। चलिए कुछ नहीं कहना है, गीत का जवाब भी बढ़िया आपने दिया है। हालांकि मैं ये सब बता चुकी हूँ कि राम जन्म के हेत अनेका, अनेक कारण राम जन्म के हैं, अनेक कारण राम के बन जाने के हैं। कारण मैंने गीत में बताया कि माना राम इसलिए बन गए, माना राम इसलिए बन गए, माना कि उनको श्राप से, रावण कुंभकर्ण को श्राप से मुक्त करना था इसलिए बन गए, लेकिन जो मुख्य कारण हमें मिला मानस ब्रह्म भंजनी के अनुसार, वो कारण है कि तुमरे ही भाग राम बन जाही। इतनी बड़ी बात आखिर माता सुमित्रा ने कही क्यों, तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी बात लिखी क्यों कि तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेत तात कछु नाही, दूसरा कोई कारण ही नहीं है। ये मानते हैं कि इसलिए गए इसलिए गए इसलिए गए, मैंने भी बताया कि इसलिए गए। अब जो भी आप लाए हैं बहुत बढ़िया लाए हैं, बहुत सुंदर सुंदर सी पंक्तियां आपने जोड़ी है कि गए राम वनवास रावण के लिए। चलिए ठीक है, लेते न जन्म तो रावण तो वनवास नहीं होता, एहसास नहीं होता, पर गए राम वनवास रावण के लिए। अरे मैं भी कह चुकी हूँ कि या रावण वंश विनाश रावण के लिए तो गए, गए रावण वंश विनाश, लेकिन ये सब भी लक्ष्मण के लिए किया, ये सब भी लक्ष्मण मामला तो है ही है। लेकिन खैर छोड़िए, जो बातें मैं बता चुकी हूँ वही आप जवाब में लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे दादा हैं, जो भी आप लाए बहुत बढ़िया लाए, बहुत सुंदर लाए हैं। लेकिन जो टुकड़ा आपने दिया है वाकई बहुत सुंदर सा दिया है, प्रयास करूंगी कि उसका जवाब मेरी ओर से हो जाए। बहुत सुंदर सी पंक्तियां आपने गाई हैं, एक भोजपुरी धुन को आपने गाया है, कौन सी कहा भोजपुरी दुनिया वालों ने, क्या बोले क्या कहा,
कि हमरे नयन हो रोबते हुई है। ओ हो शाबाश शाबाश शाबाश, ये चलो शाबाश है। बात से बेटा सुवन से कजरा का धोबत हुई है। मनमान लागत होई पिया के अंगनवा, मनमान लागत होई पिया के अंगनवा, हुई है बहुत परेशान। ले आवा कबरिया, ऐसा न हुई है बाड़ुहार हो। बड़ा सुंदर सा टुकड़ा आपने लिया है और आपने गाया क्या? नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे, परनवा थे न्यारे न्यारे, नन्हे नन्हे न्यारे न्यारे, परनवा थे प्यारे प्यारे, लैली ने तूने सबके प्राण हो। तू हमरी मेहरिया, कई दे लो हमका परेशान हो। तू हमारी मेहरिया हो के तूने हमें परेशान किया, यहाँ तक आपने बात गई है। कई दे लो हमका परेशान हो, तो जब इतनी बात गंगा ने सुनी शांतनु की। दादाजी जब आप वही से ला रही हो, बताया तूने सात सात पुत्रों को अपने जल में बहा दिया, अरे अपने पुत्रों को तूने मार दिया, तू कैसी माँ है, तू कैसी माँ है? क्या बात है, क्या ढोलक बजाते हो। जब कहा तू कैसी माँ है, तब गंगा ने कहा क्या बेटा कि स्वामी सुनियो, स्वामी सुनिए, आखिर मैंने ये सब किया क्यों, अपने ही बेटों को मैंने जल में बहाया क्यों? कहा माँ गंगा ने, पर उपकार वाला काम कहिले बानी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने परोपकार किया है। और परोपकार किया कैसे, कैसे क्यों किया? पर उपकार वाला काम कहिले बानी, यही के लिए राजा बनी तेरी रानी। मेरा यही उद्देश्य था, इसीलिए मैं तुम्हारी रानी बनी, क्योंकि मैंने आठ श्रापित वसुओं को वरदान दिया था कि जाओ तुम्हारा उद्धार मैं करूंगी, और उन्हीं आठ श्रापित वसुओं ने मेरी कोख से जन्म लिया, मेरे उदर से जन्म लिया, और मैंने उनको मारा नहीं है, उनको मारा नहीं है, तारा है। मैंने उन आठ वसुओं को कहा महाराज जो सुत मैंने बहाए हैं वो सुत, सुत ना तेरे ये आठों वसु हैं, ये आठ वसु हैं जिन्हें मैंने वरदान दिया था तुम्हारा तारण तरण मैं करूंगी, तुम्हें श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगी,
इसीलिए तो मैं तुम्हारी रानी बनी हूँ। सुतना तेरे ये आठा बसू है, काहे को परेशान हो? आप क्यों परेशान हैं? मैंने इन्हें मारा नहीं है, मैंने इन आठों को मारा नहीं है, तारा है मैंने मारा नहीं है, तारा है मैंने पूरा किया वरदान हो। मारा नहीं है पूरा किया वरदान हो, मारा नहीं है तारा है मैंने पूरा किया वरदान हो। मारा नहीं है तारा है मैंने पूरा किया वरदान हो। एक बार फिर शिलोमी मैया की, अरे इन जवाब की पंक्तियों पर ये 51 पद मुद्राओं का आशीर्वाद आदरणीय सम्मानित श्री बाबू मिस्त्री जी गोहना खुर्द, आपकी ओर से ये बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है, हृदय से आपको प्रणाम है, धन्यवाद है। और ये हमारी माता जी की ओर से 11 पद मुद्राएं हैं, हृदय से आपको प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक गीत और आपने भारी भरकम दिया है, बड़े सुंदर तरीके से आपने गाया है, प्रयास कर रही हूँ शायद शायद ये आपका गीत बन पड़े। एक बहुत ही सुंदर सी धुन आपने गाई है, कौन सी कहा फिल्म वालों ने? क्या बेटा, के फूल तुम्हें भेजा है खत में, गाने में ऐसे ढलो बजे बेटे शाबाश। अरे फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। आ, कोई जोर नहीं बेटे, कोई जोर नहीं। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रीतम मेरे मुझको लिखना क्या ये तुम्हारे काबिल है, फूल तुम्हें भेजा बहुत बढ़िया गीत आप लोगों ने सुना है। केवल सोच रहा है दादाजी के गीत के माध्यम से के जिन चरणों ने सतयुग से त्रेता तक राह तकाई है, जिन चरणों ने त्रेता सतयुग से त्रेता तक राह तकाई है, अरे उन चरणों से केवट कैसे ले उतराई है, उन चरणों की केवट कैसे ले उतराई है। यहाँ केवट सोच रहा है कैसे लूं उतराई, लेकिन वहाँ जब केवट ने उतराई नहीं ली
उतराई नहीं ली। कहा प्रभु कैसी उतराई, कैसी उतराई, यहाँ तो आप भी केवट हैं, मैं भी केवट हूँ, उतराई मैं नहीं ले सकता। और जब इतनी बात प्रभु ने सुनी तो प्रभु सोचने लगे, कहा आदरणीय दादाजी जवाब वहीं से लाने का प्रयास कर रही हूँ। हाँ बेटा, कहा कैसे लूँ, उतराई है। हाँ। केवट भी सोच रहा है, और कुछ केवट ने सोचा, क्या सोचा, क्या केवट ने सोचा कि यदि आज मैं उतराई ले लूंगा तो ये ठीक नहीं होगा। सोचने लगा केवट, ओ जेड़ी सी जीवन बगिया की, सोच रहा है केवट, बैठा कर के नामों पे तुमको पार किया है रघुराई, आज मैंने अपनी नाव पे बिठा कर तुम्हें पार किया है। मेरा निवेदन है, बैठा कर के नावों पे तुमको पार किया रघुराई है, और करना पार तुम, आज मैंने तुम्हें इस नाव पे बैठा कर इस नदी से पार उतार दिया है, गंगा से पार उतार दिया है। हाँ। और कल जब मेरा समय आए तो आप भी हाँ। करना पार तुम भाव से मुझको, यही मेरी उतराई है। आज मैं उतराई नहीं ले सकता क्योंकि आप भी केवट हैं, मैं भी केवट हूँ, मैं इधर इधर ये गांठ की नैया चलाता हूँ, आप भाव जीवन की नैया चलाते हैं, मैं लोगों को नदी से पार उतारता हूँ, आप लोगों को भाव सागर से पार उतारते हैं, हम दोनों का काम है नैया चलाना, पार उतारना। तो प्रभु आज मैंने तुम्हें पार उतारा है, कल जब मेरा समय आए तो आप मुझे पार उतार देना, मैं समझ लूंगा वही मेरी उतराई है। के करना पार तुम भाव सागर से, यही मेरी उतराई है, बैठा कर के नामों पे तुमको पार किया रघुलाई है, बैठा कर के नामों पे तुमको पार किया रघुलाई है। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ जवाब के माध्यम से, कहना है कह रहा है केवट कि मैं सतयुग से चाहता हूँ कि आपके चरण छू पाऊं, और इन चरणों के लिए हे प्रभु मैं इन चरणों के लिए जिन पद पंकज को पाने को मेरा मन पगलाना था, मेरा मन पगलाना था कि कब मैं इन चरणों को छू पाऊं, लेकिन जैसे ही चरणों को छूने के लिए जाता, पैरों की तरफ जाता तो माता लक्ष्मी भगा देती, और सर की तरफ जाता तो शेष फुफकार मार देते, आपके चरणों को नहीं छू पाया। कहा केवट ने, जिन पद पंकज को पाने को मेरा मन पगलाना था, और
पद पंकज धोकर मुझे को चरणों तक वो पद पंकज धोकर मुझे को चरणों तक को पाना था hey! वो पद पंकज धोकर मुझको चरणों तक को पाना था hey! और आज oh! आज मुझको चरणों तक मिल गया है hey! तो प्रभु के अब पाए हैं चरण कमल को पूरे सब अरमान हुए और स्वयं से और लक्ष्मी संग में दर्शन भी श्रीमान हुए लक्ष्मी है साथ में जो मुझे पैरों के तले से भगा देती थी शेष अवतारी लक्ष्मण भी साथ में है जो फुफकार मार के भगा देते थे इन सब के दर्शन हमें साथ साथ हो गए तो कहा केवट ने क्या उजड़ी सी जीवन बगिया की उजड़ी सी जीवन की बगिया अब तो हरी हर आई है जो बगिया उजड़ी थी वो हर आ गई और करना पार तुम भावों से मुझे को यही मेरी उतराई है करना पार मुझे भाव सागर से यही मेरी उतराई है केवट ने उतराई नहीं ली कह दिया कि मैं उतराई नहीं ले सकता तुम भी केवट मैं भी केवट तब भगवान ने मन ही मन एक वरदान दिया कि केवट इस बार तूने मेरे चरण धुले हैं लेकिन आने वाले युग द्वापर में वो एक समय ऐसा आएगा कि जब मैं तुम्हारे चरण धुलूंगा वही केवट सुदामा बनकर आए भगवान श्री राम कन्हैया बनकर आए अब कन्हैया ने सुदामा के चरण उसी तरह धोए जिस तरह केवट ने प्रभु श्री राम के धोए थे पानी परात को छुओ नहीं नैनन के जलसों पग धोए बस इसलिए कह रही हूँ कर ना पार तुम भाव से मुझको यही मेरी उतराई है बैठा करके नावों पे तुमको पार किया रघुराई है बैठा करके नावों पे तुमको पार किया रघुराई हाँ बैठा करके नाव पे तुमको पार किया रघुराई है बैठा करके नाव पे तुमको एक बार फिर चलो राजा रामचंद्र की कन्हैया लाल की ये 51 पद मुद्राएं हमारे दो भैया लोग देकर गए हैं आपने अपना नाम नहीं बताया है फिर भी आपको धन्यवाद है आपने ये आशीर्वाद हम तक पहुंचाया है और ये 101 पद मुद्राएं आदरणीय भैया श्री वैभव सिंह जी यूपी 32 गोहना खुर्द लखनऊ शिव सेवा मंडल सदस्य आपकी ओर से ये बहुमूल्य 101 पद मुद्राएं हैं हृदय से आपको नमन है धन्यवाद है आइए